हेलो दोस्तों, अंकिता की रसोई में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आई हूँ नई रेसिपी को लेके। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। उसके लिए चाहिए पनीर जो 200 ग्राम मैंने लिया है, और चाहिए कैप्सिकम, प्याज, एक कैप्सिकम लिया है, दो प्याज लिया है मैंने। उसके लिए चाहिए टमाटर, मैंने लिया 4 टमाटर मैंने, प्याज बड़ी कटी हुई एक प्याज, मसाला 1 चम्मच जीरा, 4 दालचीनी, 10 से 12 पीस लहसुन आदि 5 पीस, 2 सूखी मिर्च, इलायची 12 पीस, और लिया है मैंने मिर्चा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, काजू, रिफाइंड तेल, मलाई, नमक, चीनी। अब मैं पनीर को नमक और गरम मसाला से मिला लेंगे। पांच मिनट तक रख देंगे हम, मिला करके 5 मिनट तक रख देंगे। इसे आप हल्के हाथों से मिलाएं, इसे टूटे ना तरह से। अब मैं रख दूंगी इसे 5 मिनट तक। जो मसाला लिए हैं मैंने, ये हम हल्के फ्राई कर लेंगे, तेल बिना, बिना तेल का। 2 दालचीनी डालेंगे, 5 लौंग डालेंगे, 2 मिर्चा डालेंगे। इसे मैं रख लेंगे, हल्के आंच में इसको फ्राई करना है लाल होने तक। ये मेरा हो गया है फ्राई, मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे इसको ब्लेंड कर लूँगी। मसाला है इसे मैं पीस लिया है, इसमें इसे हम रख देंगे। अब तेल देंगे, ज़्यादा तेल नहीं देंगे, पनीर को फ्राई कर लेंगे हल्का लाल, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे, धीरे धीरे देंगे क्योंकि ना टूट जाइए, टूट ना जाइए। हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। हो गया है मेरा पनीर, हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। अब मैं इसे रख दूंगी। पैन में तेल डालेंगे 2 चम्मच, इसमें पहले से तेल था। हमें कैप्सिकम प्याज दोनों डाल देंगे। इसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अब इसे प्याज भी ऐड कर देंगे। बस हो गया है, मैंने इसको निकाल लेंगे प्लेट में। डीप फ्राई नहीं करना है, देखिए इस तरह से फ्राई करना है। अब मैं इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब पैन में 1 चम्मच ही हम तेल देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। अब मैं जो कटी हुई प्याज है, बड़ी कटी हुई जो प्याज है, इस तरह से इसको मैं डाल दूँगी।
देखिए इस तरह से प्याज हो गया है। अब मैं जो मसाला है उसको डालेंगे, जो दालचीनी पीसेस रखे थे हम 2 पीसेस वो हम डाल दिए, अदरक लहसुन ये इलायची मैंने डाल दिया। इसे अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, 4 टमाटर लिए था मैंने, गैस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, अब इसमें हम काजू डालेंगे। सात आठ पीस डाल सकते हैं काजू, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसे मैं ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। इसे मैं खोल के देख लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैंने पैन में बनाया है। देखिए ये टमाटर मेरा गल चुका है, अब मैं इसको उतार लूँगी। इसको प्यूरी बनाएंगे हम, मिक्सर में पीसेंगे, टमाटर प्यूरी बना लेंगे। हो गया है, देखिए मेरा प्यूरी रेडी है, टमाटर प्यूरी। अब मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। पैन में तेल डालेंगे, से 2 तेज़पत्ता ऐड करूँगी, जिसे मैं दिखाना भूल गई थी, सॉरी। अब मैं इसे इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे। बची हुई टमाटर प्यूरी थोड़ा पानी देके करके हम डाल देंगे, ना वेस्ट हो ये। इसमें ऐड करेंगे हम मिर्चा पाउडर, आप जिस तरह से झाल खाते हैं उस तरह से दीजिएगा, हम थोड़ा सा ही डालें, 1/2 चम्मच। इसमें हम नमक ऐड करेंगे, मगर पहले से हम नमक इसमें दिए थे इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे। आप देख लीजिएगा आप कितना डाले थे, आपको कितना लगेगा उसका हिसाब से डालेंगे। अब मैं इसे ढक देंगे, तब तक पकाएंगे जब तक उसका तेल ना निकले। जब तक अब मैं ढकना खोल देंगे, इसको थोड़ा चला देंगे ना नीचे लग जाए, इसको ध्यान रखना है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, चीनी इसीलिए डालते हैं, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है चीनी से। कैप्सिकम और प्याज को डाल देंगे, दो मिनट पकने के बाद हम पनीर इसमें डालेंगे। लगभग ये तैयार है, अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे।
2 चम्मच। देखिए इसका तेल छोड़ रहा है। इसमें इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका खुशबू बहुत अच्छा आ रही है। हमें इसमें पानी ऐड करेंगे। इतना पानी थोड़ा सा और डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे उतना ही। देखिए अब मैं इसे ढक दूंगी। देखिए इसमें मेरा रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड करेंगे, 2-3 चम्मच। अब इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने मलाई डाले हैं। थोड़ा सा हिला देंगे। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे, ज़्यादा नहीं। गैस कम कर देंगे। देखिए ये एकदम हो गया है, ये तैयार है। देखिए कढ़ाई पनीर गर्मा गर्म रेडी है। इसको आप नान तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।